नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई.com में। आज हम बात करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख भाग। हमने पिछली वीडियो में बात की कि दोहरा लेखा प्रणाली डबल इंट्री सिस्टम्स क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं, उनके गुण, उनके लाभ, दोष सब के बारे में हमने बात किया। आज हम बात करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख भाग क्या क्या होते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं वीडियो पे, और तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर नहीं किए हैं तो। हम बात कर रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली के कौन कौन से भाग होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक लेखा, जो सबसे पहला लेखा होता है प्रारंभिक लेखा, ओरिजिनल रिकॉर्ड। ये दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन को तिथिवार यानी कि डेट वाइज और सीरियल नंबर से क्रम अनुसार लिखना ही प्रारंभिक लेखा कहलाता है। प्रारंभिक लेखा वो होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड जो इस प्रणाली यानी कि सिस्टम के अनुसार हर एक ट्रांजैक्शन को सही तरीके से डेट वाइज सीरियल से लिखा जाए, वही होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड। इस कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार एक अथवा अधिक प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कॉपी आप बना रहे हैं तो उसी में सारा लेखा हो सकता है कि अलग अलग तरीके से आप लेखा करें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बुक्स को इन्वॉल्व करते हैं, कितनी नोट्स को इन्वॉल्व करते हैं इसमें। प्रायः छोटे व्यापारी सभी प्रकार के लेन देन लिखने के लिए एक ही पुस्तक का प्रयोग करते हैं, जिसे रोजनामचा यानी कि जर्नल कहते हैं। अभी हम बताएंगे इसके बारे में, हम एक वीडियो बनाएंगे बाद में कि जर्नल क्या है, और तब तक हम आपको एक बार थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि जर्नल होता क्या है। वे इस रोजनामचे में नगद उधार सभी प्रकार के लेन देन लिखते हैं। बड़े बड़े व्यापारी लेन देनों की प्रकृति के अनुसार एक से अधिक पुस्तकों का प्रयोग करता है। तो जर्नल क्या होता है ये हम आपको दिखा देते हैं कि जर्नल दिखता कैसा है। ये होता है जर्नल का जो है फॉर्मेट रोजनामचा। इसमें क्या होता है, पहला होता है डेट, इसमें डेट लिखे जाते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होती है इसमें उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बातें लिखी जाती हैं, जिस तरीके से जो ट्रांजेक्शन होता है सेल्स का, परचेज का। फिर ये किस पेज नंबर से है वो लिखा जाता है, इसमें डेबिट का बैलेंस लिखा जाता है और इसमें क्रेडिट का बैलेंस लिखा जाता है। ये होता है आपका जर्नल का फॉर्मेट होता है, इसे रोजनामचा भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि आवश्यकता जो भी छोटे मोटे व्यापारी होते हैं वो इसी पुस्तक का सहारा लेते हैं, यानी कि जर्नल इसी तरीके से बनाते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या होता है। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लेखा करने के बाद यानी कि जब इसमें लेखा हो जाता है तब इस लेखा कर ओरिजिनल रिकॉर्ड में लेखा करने के बाद प्रत्येक खाते से संबंधित सभी राशियों को एक स्थान पर लिखा जाता है, यानी कि सभी जो भी टोटल्स होते हैं उनको एक जगह लिखा जाता है, जिसे उस व्यक्ति अथवा वस्तु का खाता कहते हैं। यानी कि सबका तो पहले एक जगह एंट्री बन गया, पूरी खिचड़ी एक में ही बन जाती है इसमें ओरिजिनल रिकॉर्ड में ही सब कुछ एक ही में हो जाता है। उसके बाद इसमें से हम करते हैं छटनी यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हम करते हैं। कैसे, जितने भी हमारे पास खाते इसमें इन्वॉल्व होते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड में उन सबको अलग अलग जो है बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और उसकी सिर्फ और सिर्फ उस खाते से रिलेटेड रकम उसमें लिखते हैं। ये खाते जिस पुस्तक में बनाए जाते हैं उसे खाता बही या लेज़र कहा जाता है। लेज़र यानी कि जो अलग अलग खाता बनता है और जिस बुक में बनता है उसे लेज़र कहते हैं। जितने अकाउंट्स बनते हैं उनके लेज़र होते हैं उसको लेज़र कहते हैं। अब लेज़र दिखता कैसे ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, और इसके बारे में भी हम एक स्पेशल जो है वीडियो बनाएंगे बाद में। ये होता है लेज़र, ये देखिए इसका एक पक्ष होता है, इधर डेबिट होता है और इधर क्रेडिट होता है। उसमें आपके उसमें क्या था कि जर्नल में सब कुछ एक ही जगह था, लेकिन इसमें जो है अलग अलग होता है। ये देखिए जर्नल में क्या था कि एक ही जगह था, ये डेबिट था और ये क्रेडिट था, सारा आप इसमें लिखते थे, एक ही में लिखते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका अलग अलग होता है। कैसे कैसे देख लीजिए, डेट होता है इसमें, ईयर मंथ डेट इसमें लिखे जाते हैं हर एक ट्रांजेक्शन, और हर एक ट्रांजेक्शन टू से इधर लिखा जाता है, और बाई यानी कि डेबिट पक्ष इधर लिखा जाता है और क्रेडिट पक्ष इधर लिखा जाता है। जो डेबिट पक्ष में जो भी एंट्री होती है उसको टू करके लिखा जाता है, और क्रेडिट पक्ष की जो भी एंट्री होती है उसको बाई करके लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका लेज़र का फॉर्मेट। अब हम आगे बात करते हैं कि लेज़र क्या होता है, ये भी हमने आपको थोड़ा बता दिया। इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, आपके कहने के जिस तरीके से आप कहेंगे उस तरीके से हम उसकी वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। उसके बाद होता है किसी राशि को संबंधित खाते में लिखना
खतौनी यानी कि पोस्टिंग कहलाती है। ये खतौनी कहलाता है, मतलब जब आप किसी बैलेंस को जर्नल से ओरिजिनल रिकॉर्ड से लाके उस स्पेशल अकाउंट में लिखते हैं तो उसको पोस्टिंग कहते हैं। यह कार्य वर्गीकरण कहलाता है यानी क्लासिफिकेशन कहलाता है। आप लेज़र पहले तो आप लिखते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड जर्नल में, उसके बाद आप क्लासिफिकेशन करते हैं और जिस सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, और जिसमें अकाउंट बनाते हैं उसको लेज़र कहते हैं, और जो अकाउंट में बैलेंस लिखे जाते हैं उसको पोस्टिंग कहते हैं यानी कि खतौनी कहते हैं। अब अंतिम में क्या आता है कि अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ये होता है कि खाता बही में खाते बनाने के बाद सर्वप्रथम तलपट बनाया जाता है यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तत्पश्चात व्यापार का लाभ ज्ञात करने के लिए लाभहानि खाता यानी कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद फिर अंतिम तिथि को व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए उद्देश्य से बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं अभी, अभी आप इतना जानिए कि तलपट यानी कि फाइनल अकाउंट में सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन के बाद हम बनाते हैं तलपट। तलपट कैसे दिखता है ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये होता है तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मूला। ट्रायल बैलेंस में ये होता है सारे जो भी अकाउंट्स होते हैं इसमें लिखे जाते हैं। इसमें डेबिट शेष लिखा जाता है, इसमें क्रेडिट का शेष लिखा जाता है, इसमें पेज नंबर जो भी होता है, ठीक। और यहाँ ग्रैंड टोटल, इसमें दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए, दोनों अमाउंट सेम मिलना चाहिए तभी माना जाता है कि तलपट आपका सही है। ये होता है आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे कि फाइनल अकाउंट के बाद क्या होता है। खाता बही में खाता बनाने के बाद सर्वप्रथम ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। उसके बाद लाभ ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है, इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। और जब हम प्रॉफिट लॉस अपना पता लगा लेते हैं तो उसके बाद हमें पूरे व्यापार की जो आर्थिक स्थिति की, मेरा व्यापार कैसे चल रहा है कैसे नहीं, तो उसके लिए हमें आर्थिक चिट्ठा बनाना पड़ता है, तभी हमें पूरे व्यापार की जानकारी मिलती है। तलपट तक तो सिर्फ हमें गणित संबंधित शुद्धता की जांच होती है, जिससे कि हमें इतना पता चल जाता है कि हाँ अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किस तरीके से चल रहा था, किस तरीके से, इस बारे में हमको जानकारी मिल जाती है तलपट तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हम जल्दी फिर मिलते हैं और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।